हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 7.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर निर्देशांक तल लेता हूँ, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे निर्देशांक तल ले लेता हूँ। ठीक है ना जी, ध्यान से देखिएगा। एक ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, इसे एक्स और इधर ले देता हूँ मैं एक्स डैश, और ये वाई अक्ष है तो ऊपर वाई ले लेता हूँ और नीचे मैं यहाँ पर वाई डैश ले। हम लोग इस पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक शीर्ष मूल बिंदु ले लूंगा, ठीक है ना जी। बाकी जो शीर्ष हैं, देखिए इधर आ जाएगा, दूसरा एक्स अक्ष पे हो गया और तीसरा शीर्ष यहाँ पे और ये चौथा यहाँ पे आ जाएगा, है ना जी, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पे इस समांतर चतुर्भुज का नाम देता हूं ओ ए बी और यहाँ पे सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं। सपोज करिए यहाँ पे इसका तो आपको पता है कि जीरो जीरो हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि OA की लंबाई a है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो यहाँ a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए, मैं एक काम करता हूँ, सी का निर्देशांक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी कॉमा सी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो होगा यहां से यहां और यहां से यहां, समझिए क्या होगा। तो ये जो होगा आपका C होगा वाई एक्स की दूरी, और ये होगा जो B होगा, ठीक है ना जी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, तो ये B यहां पे है, तो ये भी आपका B हो जाएगा। तो B का, इस B का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जी, तो यहां से यहां A था और इसमें ये B बढ़ गया, यानी कि आ जाएगा A प्लस B, और Y कोऑर्डिनेट तो यही वाला होगा C, ठीक है ना जी। चलिए, तो हमने इसके सभी शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे निकाल लिए। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ओ मूल बिंदु है तथा OA, OA, OA बराबर में A है, OA के बराबर में A है, जहां A x अक्ष पर है। इतना काफी है, लिख देना। अब इसके बाद देखिए, हमने O का निर्देशांक यहाँ पे लिख दिया है 0 0, A का निर्देशांक लिख दिया है a कॉमा जीरो, है ना जी। B का निर्देशांक हम लोग लिख दिए यहाँ पे क्या है a प्लस बी कॉमा सी, और यहाँ पर c का निर्देशांक लिख दिया हमने यहाँ पर, देखिए क्या, तो c का निर्देशांक है b कॉमा सी। तो अब इसके बाद देखिए, हमें क्या दिखाना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित। तो मैं इनके विकर्णों को मिला देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, इन विकर्णों को मिला देता हूँ और दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु निकालता हूँ। यहाँ पे निकालता हूँ विकर्ण OB का मध्य बिंदु क्या होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही आएगा, है ना जी। चलिए तो देखते हैं इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। 0 प्लस का a प्लस b बाई में 2 और 0 प्लस का c बाई में 2, यानी आ जाएगा इसका a प्लस b बाई में 2 और c बाई में 2। उसी तरह से विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो है विकर्ण ac का मध्य बिंदु क्या होगा, विकर्ण ac का मध्य बिंदु क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो आ जाएगा a प्लस बी बाई टू और 0 प्लस सी बाई टू, इसका मतलब यहाँ पे भी वही आ गया, a प्लस बी बाई टू और c बाई टू सेम आ गया। अतः कह सकते हैं कि OB तथा AC का मध्य बिंदु एक ही है। अतः यहाँ कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए।